एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ को, जिसमें हम कवर करेंगे 29 अगस्त से सितंबर 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, हम उनको वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप को हमारी सारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल सके और आप सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में सीख पाएं। मेरा नाम है समीक्षा सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की अपनी ऊर्जा खपत को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। असम सरकार ने डारंगल जिले के मंगलदोई में वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दी। विश्वविद्यालय को किस बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाएगा। अगर हम बात करें असम की, तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, और चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल। और कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि अरुंधति सोनोवाल, वन तोला गोल्ड टू ब्राइट्स। और वहाँ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, वो पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है भारत का, जहाँ पे एक मजलय नाम का आइलैंड है, मतलब लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड है, कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र रिवर में। और वहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी द काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम बताइए, जिसका हाल ही में केरल के CM पिनारई विजयन ने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो प्रतीक्षा का उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पात्र वामपंथी लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च्ड इरादा अभियान शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है इरादा। क्वेश्चन नंबर 5, हलुमले सेंट्रल पार्क और हाल ही में आगमन जेटी के नवीकरण जैसे भारत समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं किस देश ने शुरू की हैं? तो मालदीव द्वारा ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम बताइए, जिन्होंने इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअल मीट को संबोधित किया गया है। ठीक है, संबोधित किया है किसने? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस को प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो परमाणु परीक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो है 29 अगस्त को। भारत और सिंगापुर के रक्षा सचिव की 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता यानी DPD के सह अध्यक्षता की गई। भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो भारत के जो रक्षा सचिव के रूप में जो गए हैं वो हैं अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में नामक एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है। तो ये जो स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता है, इसका नाम है चुनौती। क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस का निधन हो गया है। हाल ही में जो एक सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश जस्टिस थे, उनकी डेथ हो गई, उनका नाम पूछा गया है इसमें। और वो वर्तमान में वे क्या थे? न्यायमूर्ति AS आनंद की अध्यक्षता में मुलय पेरियर पैनल के तमिलनाडु के प्रतिनिधि थे। तो जिनकी डेथ हुई है उनका नाम है AR लक्ष्मण, जो कि क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली मेट्रो अपने परिचालन को कब शुरू करेगी? तो दिल्ली मेट्रो अपने परिचालन को शुरू करने वाली है 7 सितंबर से। इसके मतलब मंजूरी दे दी गई है, जो नॉर्मल पैसेंजर्स होते हैं, डेली पैसेंजर्स, उनके लिए पब्लिकली दिल्ली मेट्रो शुरू हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 13, 28 अगस्त 2020 को जनधन योजना के शुभारंभ के 6 साल पूरे होने के साथ इस समय तक कितने खाते खोले गए हैं? तो लगभग 4.35 करोड़ खाते खोले गए हैं। किस योजना के तहत? जनधन योजना के तहत। मतलब इस जो था अकाउंट में कुछ अमाउंट भेजा जाता था लोगों के में, जिससे वो मतलब उन्हें किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 14, किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग व्यवसायों को 24.13 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो ये की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अब नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर में बांस की टोकरी, अगरबत्ती और बांस चारकोल बनाने के लिए 3 बांस समूहों को कहाँ विकसित किया जाएगा? तो 3 बांस समूह को जहाँ विकसित किया जा रहा है वो अलग अलग एरियाज हैं। पहला है जम्मू, सेकंड है कटरा और थर्ड है सांबा। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, किस विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक ने COVID-19 वार बोट नाम का एक रोबोट विकसित किया है जो डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को मरीज के संपर्क में आने से रोक सकता है? तो ये किया है त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने। त्रिपुरा कहाँ का स्टेट है? त्रिपुरा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ओके, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 17, नवंबर 2020 में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। अब नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अनुसार के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के 5 महीने में वैश्विक पर्यटन में कितना नुकसान हुआ है? तो वर्ल्ड टूरिज्म जो होता है उसमें कोरोना वायरस के कारण कितना नुकसान हुआ है? तो ये हुआ है 320 बिलियन USD, यानी अमेरिकी डॉलर के उसमें लगाया जाए तो लगभग 320 बिलियन डॉलर को डॉलर में हुआ है। ठीक है, अब आगे है हमारा, उषा पाधे जिन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS की महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, को इतिहास की पहली महिला जो प्रभार दिया गया है किस मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं? तो भारत की पहली महिला हैं जिन्हें जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन में महानिदेशक के रूप में उपाधि प्रदान की गई है, और इनका नाम जो ये जिस मंत्रालय से बिलोंग करती हैं वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में प्रणब मुखर्जी की मृत्यु कोरोना वायरस की बीमारी से हुई है, वो कौन थे? भारत के पूर्व राष्ट्रपति यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, और जो है इनकी जो एज थी वो 84 साल थी, और कोरोना वायरस के कारण ये काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थे जिससे इनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, किस राष्ट्र ने भारत को 3,500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण दिया है? तो ये दिया है जापान ने, और हाल ही में जापान के जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं, शिंजो आवे, उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है अपने पद से। अब नेक्स्ट है हमारा, संसद का मानसून सत्र कब शुरू होगा? तो संसद का मानसून सत्र जो होगा वो 14 सितंबर से शुरू होगा। अब आगे है, कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी EUR 650 मिलियन का निवेश करेगा? तो ये करेगा EIB। क्वेश्चन नंबर 24, आतंकवादी पीड़ित श्रीनगर में CRPF महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बन गई हैं? तो ये बनी है चारू सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 25, वित्त वर्ष 2020-2021 के Q1 में भारत की GDP वृद्धि कितनी है? तो हमारी जो 2020 और 21 में जो GDP दर को जो कैलकुलेट किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद -23.9% पे आ गई है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा जो सौर वृक्ष स्थापित किया है वो किया है पश्चिम बंगाल ने। आगे है, किस राष्ट्र ने एक झील के पास
शतक से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया है जो कैलाश मानसरोवर का एक हिस्सा है। तो हाल ही में चीन ने इस झील के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 28, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपनी लंबित AGR बकाया राशि को खाली करने के लिए कितना समय दिया है? तो 10 साल का समय दिया गया है किसको, जो है टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने 2 सितंबर 2020 को कितने मोबाइल ऐप्स ब्लॉक किए हैं? तो लगभग 118 मोबाइल ऐप्स ब्लॉक किए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर चाइना के ऐप हैं और जिनमें से एक मोस्ट पॉपुलर ऐप है PUBG, जिसे सब लोग ज़्यादा खेलते थे तो काफ़ी शौक है इसकी वजह से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो इस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 48वें स्थान पर रखा गया है, किसमें, ग्लोबल इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स की जो अभी रैंकिंग हुई है उसमें। आगे है, किस राष्ट्र ने COVID-19 वैक्सीन के विकास और वितरण के लिए WHO से नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल होने से इनकार किया है? तो हाल ही में जो है WHO के साथ जो साथ मिलकर के COVID-19 पे जो काम करेंगे उसमें अमेरिका ने मना कर दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को दुनिया का नंबर मिला है सौर क्षमता में एक? तो अदानी ग्रीन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 34, पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुमित नागल जो हैं वो पहले भारतीय बने हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया था, यानी वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया था? तो हर साल इसको 2 सितंबर के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य ने विशेष बिजली विरोधी चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है लखनऊ और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37, 3 सितंबर 2020 को किस विश्व नेता की आधिकारिक वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 38, UNSC के 5 देशों ने 2 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए किस राष्ट्र के प्रयासों को अविरुद्ध कर दिया गया है, यानी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है? तो वो किया है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के जो अभी जो फिलहाल में जो PM है वो है इमरान खान। अब क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने पोकर और रमी जैसे ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश द्वारा इन खेलों पर, इन ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन और गवर्नर हैं वहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी। अब क्वेश्चन नंबर 40, वर्तमान में किस राष्ट्र के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो सबसे बड़ी जो यानी नेवी है वो है चीन के पास में। किस राष्ट्र के नौसैनिक बेड़े में सबसे अधिक विमान वाहक हैं? तो सबसे ज़्यादा जो नौसैनिक बेड़ा होता है उसमें जो विमान है वो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, संघाई सहयोग संगठन की विशेष मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, रूस, और रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 43, नवंबर में सरकार के प्रमुखों के SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में भारत SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 44,
क्वाड मीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाड मीट की जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है? तो हाल ही में उड़ीसा ने नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और वहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक। अब क्वेश्चन नंबर 46, किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करने का वचन दिया है? तो हाल ही में रूस ने इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 47, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर ने इसकी स्थापना करी है। अब क्वेश्चन नंबर 48, अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राष्ट्र ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं रूस ने। क्वेश्चन नंबर 49, विच स्टेट हैज पास्ड अ बिल टू प्रोटेक्ट इट्स हेरिटेज साइट? तो हाल ही में अपने हेरिटेज साइट को बचाव करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए एक बिल पास किया है, वो किया है असम ने। अगर हम बात करें असम की, तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है ये, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब है? हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाएगा वो मनाया जा रहा है 5 सितंबर के दिन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी सीरीज़ पूरी हो चुकी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, और बेल आइकन को जो है प्रेस करें ध्यान से, जिससे आपको सारे वीडियोस के अपडेट मिल सकें। ओके, बाय बाय।